इट्स ऑलवेज गुड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट एंड टॉक अबाउट हॉकी. भाई हॉकी में क्या कुछ हो रहा है? भाई बहुत प्लानिंग हो रही है. आपको बताएं कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है वो चाह रहा है कि खेलों की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो, जिसकी वजह से यू नो कोरोना वायरस के ऑफकोर्स इस लॉट एस ओ पीज उनको फॉलो करनी है. मगर PHF कह रहा है कि ईद के बाद डोमेस्टिक हॉकी 5A साइड टूर्नामेंट का उन्होंने प्लान बनाया है. उन्हें बोला गैर मुल्की असाइनमेंट्स नहीं हो रहे तो अपनी डोमेस्टिक की जो असाइनमेंट्स है या अपने डोमेस्टिक खेल को हम लोग वापस रिवाइव करेंगे. मगर अभी इसमें हुकूमती गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा. और आसिफ बाजवा ये कह रहे हैं कि FIH और AHF को भी खत लिखकर उनसे भी इजाज़त ले लेंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मगर सवाल ये पैदा होता है कि टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक होना चाहिए नहीं, बिकॉज हॉकी इज़ अ क्लोज कॉन्टैक्ट गेम. इसमें स्किल्स होती हैं. हमें ज्वाइन भी करेंगे फॉर्मर पाकिस्तान हॉकी टीम की कैप्टन सलमान अकबर. ख्वाजा जुनेद ने भी ज्वाइन किया है, हेड कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम. और अतीक रहमान जो सबको खबरों को फॉलो करते हैं क्लोजली. अतीक आपसे डिस्कशन का आगाज करते हैं, फिर अपने टीम गेस्ट को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे. व्हेन इट कम्स टू हॉकी अतीक, सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है. जैसे फातिमा कह रही थी कॉन्टैक्ट होता है इस गेम में, प्लेयर्स क्लोज होते हैं. आप एस ओ पीज को अगर लगाते भी हैं तो किस तरह फॉलो होंगे? काफ़ी सारे इश्यूज हैं इस मामले में. जी दानिश, आपने बिल्कुल सही कहा. हॉकी के अंदर वो जो एस ओ पीज़ हैं वो उनको फॉलो करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन हमने देखा दीगर ममालिक के अंदर फुटबॉल के मैचेस भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हॉकी के मुकाबले नहीं हो सकते. अब ये बैठ के एक एस ओ पीज़ बनानी पड़ेगी कि आखिर कब तक जो है. अब जिस तरह अमरीका में भी कार रेस हमने देखा, मोटर स्पोर्ट्स 72 साल बाद ऐसी हुई कि जिसमें शायकीन नहीं थे, और फुटबॉल मैचेस भी हो रहे हैं, बुंडसलीगा भी हो रही है, ला लीगा भी हो रहे हैं, उनके मैचेस हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स के. हॉकी भी हमें आगाज़ करना पड़ेगा. लेकिन इस 2 महीने के दौरान कोरोना वायरस के दौरान जो है हमारा ऑनलाइन जो प्रोग्राम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने और टीम मैनेजमेंट ने बनाया उस पर दरअसल आज काफ़ी सारी जो है ना वो डिस्कस करनी है. क्योंकि बहुत से कह रहे हैं कि ये प्लान जो है ये बोगस है. सलमान अकबर जो इस वक्त हमारे से टेलीफोन पर मौजूद भी हैं, उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम जो है बोगस है, जो बनाया गया है इतना ज़्यादा कारामद नहीं है. जो टॉप एथलीट्स जो होते हैं उनके लिए ये प्लान होता है, उस तरह प्लान नहीं बनाया. नॉन प्रोफेशनल लोगों ने जो है इसको प्लान बनाया. तो ये चीज़ है दानिश के इस कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान हॉकी मैनेजमेंट ने काफ़ी सारे प्लान बनाए जो कि बहुत ज़्यादा कारामद भी लगे बज़ाहिर देखने में, लेकिन कितने मुफीद हैं इस पे मतलब ख्वाजा जुनेद ज़्यादा बेहतर बताएंगे और सलमान अकबर भी. जी जैसे सलमान अकबर तो कह रहे हैं कि यू नो अब ठीक है जो ओलंपियंस हैं अब उनका टाइम पूरा हो गया, नॉट टेकिंग अवे द क्रेडेंशियल्स, मगर अब यू नो ज़रूरी नहीं है कि जिनका हॉकी से ताल्लुक हो वही हॉकी के लिए. बट सलमान अकबर आई कम टू यू आफ्टर, पहले ख्वाजा जुनेद साहब से पूछ लेते हैं कि थोड़ा ऑनलाइन प्रोग्राम क्या है. ख्वाजा जुनेद साहब थोड़ा हमें भी एक्सप्लेन करें कि प्लेयर्स को क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, क्या गाइडलाइंस होती है, डाइट प्लान थोड़ा सा मुझे ब्रीफली पहले ये समझा दें. जी फातिमा, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्लान तरतीब दिया गया है इसमें हमारी पूरी मैनेजमेंट की मशावरत है और उसमें हमारी फिटनेस स्पेशलिस्ट टीम शामिल है. मैं उनका तारीफ कराना चाहूँगा कि हमारे इस पर जो फिटनेस स्पेशलिस्ट हैं उसमें आबिद अमीन साहब हैं जो इस वक्त अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अलायंस मेंबर भी हैं और फिटनेस आईडी होल्डर हैं. इसके अलावा हमारे पास राना नसरुल्ला हैं जो कि नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अलायंस मेंबर हैं. वो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम की जो है पूरी फिजिकल फिटनेस जो ट्रेनिंग है डिसाइड द मैनेजमेंट पूरी तरतीब दे रहे हैं. तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हमने इस वक्त अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की गाइडलाइंस को जो कि इस वक्त पैंडेमिक पैरामीटर्स के लिए जरूरी है, उन्होंने तमाम दुनिया के एलीट एथलीट्स को ये आगाह किया था कि जब आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो आप इन रेफरेंस रेंजेस को मद्देनजर रखें. आप इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट जो है उसको 60 से 70% तक रखें, इसको अबव मत ले जाएं, इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम्प्रोमाइज हो जाएगी. तो हमने क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है इसमें फियर है, स्ट्रेस है, पैनिक है, एंजाइटी है और अब नाउ रमजान भी है, तो हमने 4 वीक्स का प्लान किया वो हमने एक जनरलाइज प्लान किया कि हमारे प्लेयर जो है उनकी फिजिकल फिटनेस सबसे बड़ी बड़ी होती है फातिमा,
उसमें ये होती है कि जब आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपके मसल जो होते हैं दे आर गेटिंग वीक, मसल वीक होता है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है दानिश। अच्छा, जब फैट में कन्वर्ट होगा तो आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा, जब आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा तो आपकी जितनी मेटाबॉलिक लेवल अचीव किए हुए हैं वो सब खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमने इन मरीज को मद्देनजर रखते हुए अपना जो प्लान तरतीब किया थ्री कल का, उसमें हमने दो चीजों को टारगेट किया, जिसमें हमने कार्डियो वैस्कुलर एंड्योरेंस और उसके अलावा हमने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जैसे मसल स्ट्रेंथनिंग को हमने प्रायोरिटी दे रखा, क्योंकि ये चीजें जो है इस वक्त पैंडेमिक में आपको पता है जो बच्चे हैं उनके जो पास रिसोर्सेज हैं, कोई तीर महल से है, कोई गोजरा से है, कोई कसूर से है, कोई छोटे छोटे इलाकों से है, किसी का दो मरले का घर है, किसी का चार मरले का घर है, जब आप पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हैं तो आपको जनरलाइज प्लान देना पड़ता है कि बच्चे कम अज कम उसमें इन्वॉल्व हो। आपने पूरा प्लान हमारे साथ शेयर किया, सलमान अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए थे, सलमान अकबर का हमने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे, कुछ बयान भी पढ़े थे, बट आज उन्हीं से सुन लेते हैं। हम सलमान, आपको क्यों लगता है कि ये प्लान काफ़ी नहीं है, क्योंकि फायज साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कंसल्ट किया है प्रॉपर लोगों के साथ, कन्फर्म प्रोफेशनल के साथ इस प्लान को शेयर किया है, उन्हीं के ज़रिए प्लान आया है, और हमें एक जनरलाइज आइडिया देना था प्लेयर्स को कि इस क्वारंटीन के ज़माने में वो किस तरह अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। व्हाई आर यू निगेटिंग इट? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरे ख्वाजा भाई को बहुत सारा सलामत को भी और आप दोनों को भी। जो मैंने भी कन्वर्सेशन सुनी है जुनैद भाई की, तो वैसे जो ये क्रेडेंशियल्स बता रहे हैं अपने कोचिंग स्टाफ के, जो बता रहे हैं और जो कि बड़े इंप्रेसिव हैं, लेकिन अगर वो ग्राउंड में भी ज़्यादा इंप्रेसिव होते तो शायद हमें जो रिसेंटली हमने ओलंपिक क्वालिफायर खेला और जिसके दूसरे मैच में टीम बिल्कुल क्लैप्स करती नजर आई और मेजर जो उसका पॉइंट नज़र आया वो पाकिस्तान टीम का फिटनेस लेवल का नज़र आया। दूसरा ये जो मेरे ख्याल में जो ख्वाजा जुनैद भाई ने स्पेशली, मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से इन्होंने प्लेयर्स के घरों की मेजरमेंट भी बताई है मीडिया पर आके, जो कि बड़ी एम्बेरसमेंट मुझे थी। तीसरी बात जो मैं ये कहूँगा, तीसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये प्रोग्राम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से कार्डियोलॉजी जिस पे इन्होंने फोकस किया, ये वो बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान हॉकी के पास बहुत बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, पूरा पूरा साल प्लेयर्स वहाँ ट्रेनिंग करते रहते हैं, और जब अब इस सिचुएशन में आए हैं तो उनको इतना उनको इजी प्रोग्राम देना पड़ेगा कि वो ताकि उनके दिल को यहाँ पैक ना भर जाए। तो मेरे ख्याल में बहुत ही इलॉजिकल बात की है जिसको मुझे तो नहीं समझ आई, ना मैं एग्री करता हूँ। मैंने जो भी स्टेटमेंट दी थी वो इसी बेस पे दी थी कि आप प्लीज़ ये ना कहें कि इसको इस पर आके गोल स्कोरिंग ना करें, एंड एक्सेप्ट दिस के हमारा बैकग्राउंड जो है हम उस पर काम नहीं किया हुआ था, वी डोंट हैव एनी बेसिक फैसिलिटी, और अब इस सिचुएशन में आके आप बगैर ये देखे हुए कि आप क्या कर रहे हैं और आके ये गोल स्कोरिंग करें कि हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया हुआ है अपने पाकिस्तान की टीम को नेशनल टीम। बट सर, मतलब अकबर साहब, आप तो ऑल्टरनेट पता है, व्हाट डू यू सजेस्ट बीइंग अ कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन, आपका क्या प्लान आप सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आइडिया शेयर करें ब्रीफली। प्लान सजेस्ट देखें, प्लान सजेस्ट डिफरेंट क्या हो सकता है? हां जी, सबसे पहले तो मैंने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें मैंने कहा था आई एम नॉट अ एक्सपर्ट एसएनसी, तो लेकिन प्लान जो है मेरा तो यही रहा कि आप काइंडली अगर यही चीज़ें अपने डोमेस्टिक लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाएं, और ठीक है आपका बड़ा मिनिमाइज बजट है, आप उसमें रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि कभी भी नहीं नज़र आई, जिसकी वजह से पूरे आपकी रैंक वर्ल्ड रैंकिंग रिफ्लेक्ट करती है इस चीज़ को कि काम कभी हुआ ही नहीं है और सिर्फ आके फ्रंट पे बातें की गई नहीं है, और जैसे रिसेंटली भी सुना है कि सलमान जी आपने ओलंपिक क्वालिफायर्स का भी जिक्र किया, आपने मौजूदा परफॉर्मेंस का जिक्र किया, बट ये वजूहात जो है उसकी पिछले दो दिहाइयों पर मुहित नहीं है। आप कह रहे हैं कि अभी इतना हमारा फिजिकल स्टाफ अच्छा होता जो फिजिकल एटीट्यूड पर काम करता तो ये हालत नहीं होती, लेकिन ये जो हालत है ये तो पिछले 20 सालों की वजह से सर उसमें काम नहीं हुआ। अभी तो हम एक जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, कोरोना के तनाजुर में बात कर रहे हैं, वो प्लान दिया गया उस पर बात कर रहे हैं सलमान। जी जी बिल्कुल, देखें आप अगर बाकी जो वर्ल्ड टॉप लेवल की टीम्स हैं अगर आप उनके प्रोग्राम देखें तो आपको समझ आएगी कि ये जो शायद आपकी नज़रों से वो सो कॉल्ड जो ऑनलाइन प्रोग्राम जिसको कहा जा रहा है वो गुजरा नहीं है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप शायद आपकी डेली रूटीन उससे ज़्यादा अच्छी होगी और उससे अच्छे से आपको जो प्रोग्राम है वो इंटरनेट सलमान मेरा एक सवाल है
कि चलें ठीक है, आप कह रहे हैं सो कॉल्ड ये जो है उन्होंने प्रोग्राम बनाया, इतना ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल लोगों ने बनाया, अच्छा नहीं था, ठीक है मानते हैं। जैसे दानिश ने भी कहा कि हॉकी का हमारा मैार तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नीचे है, 20 साल हो गए, अगर ये थोड़ा सा प्रोग्राम भी नहीं होता तो फिर क्या करते, मतलब या तो फिर घर में बैठे रहें, कुछ करें भी नहीं, फिर ये सवाल उठता कि भाई टीम मैनेजमेंट ने, हॉकी फेडरेशन ने कुछ नहीं किया। अब लोगों को एक्टिव करने के लिए अगर कुछ प्लान बनाया, ठीक है उसमें खामियां हो सकती हैं, तो उस तनाजुर में तो अच्छा है ना कि घर में बैठे रहने से अगर एक प्लान बन गया, सामने आ गया। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हॉकी टीम मैनेजमेंट ने या हॉकी फेडरेशन ने अपनी नौकरियां फेस सेविंग के लिए ये ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया या खिलाड़ियों को एक्टिव करने के लिए प्रोग्राम बनाया, ये दो अलग अलग बातें, थोड़ी सी वजाहत कर दें। जी 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 बिल्कुल, देखें मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है कि प्रोग्राम चले जैसा भी है, एटलीस्ट आपने अपने प्लेयर्स को दिया पर्टिकुलर सिचुएशन में, और मेरे ख्याल में इस ऐसे प्रोग्राम के लिए आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं चाहिए होती, ये तो एक बेसिक चीज है कि आपके जो आप अपने प्लेयर्स को होमवर्क देते हैं, आप उनको असेस करते हैं उनके हर चीज का, तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज मुझे तो एज अ प्रोफेशनल नजर आती, ये तो एक वैसे भी डेली रूटीन है इस लेवल पे कि आपके प्लेयर्स को ऐसे होमवर्क। बिल्कुल ठीक है, ऐसे होमवर्क मिलते हैं। ख्वाजा साहब अगर हम कंडीशनिंग की अपने प्लेयर्स की बात करते हैं तो अब ये कंडीशनिंग भी पाकिस्तान टीम में आने के बाद नहीं हो जाती, ये कंडीशनिंग शुरू होती है जब बच्चा 8 साल का होता है और फिर 16 17 18 साल तक उसकी कंडीशनिंग होती है, तो फिर अगर बात निकली है तो फिर बहुत दूर तक लग जाएगी कि हमें फिर पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, इस बारे में हम बात करते आए हैं। जी जी आ जाए सर, आ जाए, आए आए ख्वाजा साहब, बिल्कुल आए। सलमान भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है और काफी अच्छा ये मैंने इसको देखा भी है, लेकिन इसलिए खुद ही अपनी दो तीन बातों को कंसेंट्रेट किया। नंबर एक, विदाउट एनी जो है कोई तहकीक नहीं है, सलमान तनकीद कर रहा है लेकिन तहकीक नहीं है, वो खुद कहता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर कोई फिजिकल एक्सपर्ट उसके ऊपर तनकीद करे ना तो मैं समझता हूँ कि उसका हम पॉजिटिवली आंसर देंगे, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, सलमान की जितनी इज्जत है या मुझे जितनी इज्जत मिली वो हॉकी से मिली है, मैं ये कहूँगा कि मेरे अंदर कोई खामी है तो सलमान उसको मुझे फोन करके कहते हैं ना जुनेद भाई यार ये ऐसे कर लें, बजाय वो लोगों को कहने, बजाय वो मीडिया पे जाने, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इंसान होता, मुझे बड़ा लगता, ठीक है। आप अगर आप किसी के साथ ज्यादा करते हैं तो आप उसे इंसान से माफी मांगे, आप अल्लाह से माफी मत मांगे, जब आपको इंसान माफ कर देगा तो आप अल्लाह भी माफ कर देगा। अभी रमजान का मैं समझता हूँ कि हमें ये जो होती है ना, जब आप तनकीद के बगैर तनकीद करते हैं कि सिर्फ जुर्म नहीं है ये गुनाह है, जब आपको एक नेकी का 1000 गुना सवाब मिलता है तो आपको एक गुनाह का 1000 गुना गुनाह भी मिलता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने इस प्रोग्राम के ऊपर दुनिया के किसी एक्सपर्ट के साथ भी ऑन टेबल बैठ कर सकता हूँ, आप मुझे भी बुलाएं किसी प्रोग्राम में, मैं अपने टिकट लेके आ जाता हूँ। ख्वाजा साहब आप थोड़ा सा जज्बाती हो रहे हैं ना, सलमान का ना ठीक भाई, ठीक है प्लीज टेक अप टेक अ वर्ड वर्ड बैक, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजे में बैठा हूँ, आप सब लोग भी रोजे में होंगे मेरे अल्लाह की रहमत से। मैं ये कहता हूँ कि यार देखिए मुझे क्वालिफाइड मतलब सर्टिफाइड कोच होने में मुझे 12 साल लगे, मैंने 10-12 हज़ार घंटे काम किया, दुनिया का कोई कोर्स मिस नहीं किया, मैंने 2002 में कोचिंग स्टार्ट की और 2014 में मुझे ग्रेडिंग मिली है, ठीक है, आई एम सर्टिफाइड कोच, ठीक हो गया। अब बात आती है कि अगर मेरे पे कोई तनकीद करें ना, कम अज़ कम उसको कोचिंग के अंदर को डिप्लोमा में आना चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाएं तो तनकीद ठीक है, जैसे मैंने सलमान की वीडियो देखी उसमें सलमान ने कहा जी कि आपने नेवा जहाज का क्या किया, यार हम आज के तक बच्चों को पकौड़ों का समोसे का कह देते हैं, आपके बड़ा पकौड़े का समोसे का छोड़ दो नेवा जहाज, जब आपके पास अगर इसकी बचना छोटी कि आपके पास जो बुक कलर ट्रॉल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 6 फैटी एसिड की जो नेचर रिसोर्स है वो क्या है, तो आप कभी ये सवाल ना कर सकते ये मेरा जहाज है, तो यार बात ये होती है मुझे कुछ मतलब बिल्कुल ख्वाजा साहब ऐसा ही है, और हम चाहते हैं हॉकी का जो खोया हुआ वकार है वो वापस लौटे। एंड इट्स सच अ गुड आइडिया, सॉरी दानिश इंटरव्यू, ख्वाजा जुनैद साहब आप भी मौजूद हैं, सलमान अकबर भी है, तो इट्स सच अ गुड आइडिया कि आप लोग सब जो जिनका हॉकी से ताल्लुक है इतना बड़ा, आप लोग सब एक टेबल पर बैठ कर जरूर बात करो, ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक दूसरे को देना बहुत जरूरी है। नहीं और आपके पास टेबल नहीं है तो हमारे पास ये वाला टेबल हाजिर है, ये हम बैठक लगाते हैं।
लड़ाइयां नहीं कराते फातिमा, हम प्रोग्राम बहुत से लोग समझते हैं कि शायद लड़ाइयां कराने के लिए सलमान भट्ट ने, सलमान अकबर ने तनकीद की तो हमने उनको ले लिया, ख्वाजा साहब पर तनकीद उनको ले लिया, दरअसल बिल्कुल ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कौमी खेल हॉकी, अगर सलमान अकबर की कोई तनकीद है तो वो भी सुनी जाए। लेट्स होल्ड दिस थॉट हियर, प्रोग्राम अभी हमने वैसे हॉकी पे बात करना शुरू की थी कि टाइम खत्म हो गया, हमारी कोच होगी कल, आने आने वाले दिनों में हम हॉकी पर मजीद डिटेल में बात करें। ख्वाजा साहब आपको भी तकलीफ देंगे, सलमान आपको भी तकलीफ देंगे, दिग्गज ओलंपियंस के हम कोच करेंगे कि ऑन बोर्ड ले सकें, और इस वक्त हॉकी प्लेयर्स के लिए क्या हो रहा है फातिमा, ये बात करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एंड इफ यू जस्ट आई थिंक थैंक यू सो मच जेंटल लतीक, आपको भी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, एक्चुअली वी ट्राई आवर बेस्ट हम कल भी इसको कंटिन्यू करें, और आई थिंक इट्स अ गुड नेम, हम लोग इसको स्पोर्ट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं ना, स्पोर्ट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप लोग बैठ के अपनी सब बातें कर सकते हैं, दुख भी शेयर कर सकते हैं। या लेट अस नो इफ यू एग्री और नॉट, बट थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।